आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का गुलगुला। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पाइसी बन के रेडी होता है। तो हमने 1 कप आटा ले लिया है, हम बच्चे के लिए बना रहे हैं। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं इसे, तो चलिए बिना देर करते हुए इसे बनाते हैं। तो हम 1 कप आटा ले लेंगे और इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। चाशनी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। और इसमें हमने शक्कर डाल दिया है और इसे पानी से, एक इडली जैसा इडली का बटर रहता है ना, उसी तरह सेम बनाना है। एक बटर घोल बना लेना है, ज्यादा पानी डालकर नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा करके ही करना है। देख सकते हैं इस तरह बना लेना है, इस तरह से, ज्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो बनाते समय पूरे कढ़ाई में फैल जाएगा ये। इसे 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि यह और सॉफ्ट और अच्छा बने, इसलिए। अच्छे से हमारा बैटर रेडी है बनने के लिए। ना ही ज्यादा पानी है, ना ही कोई ज्यादा गाढ़ा है, देख सकते हैं। हम कढ़ाई ले लेंगे और गैस ऑन कर लेंगे। इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, ज्यादा रिफाइंड ऑयल नहीं डालना है हमें, कम तेल में भी बन जाता है ये रेसिपी। और जरूर ट्राई करिए, ये बच्चे को बहुत ही पसंद आता है, मैं तो हमेशा बनाती हूँ जब भी बच्चों को भूख लगती है। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम ये बटर डाल देंगे। इस तरह से चम्मच से ऐड करना है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होगा, ताकि बच्चे भी खा सकेंगे, कितना भी छोटे हैं तो भी। सकते हैं जब ये अच्छे से हो जाए ना पीछे के साइड, तो इसे पलटी मार देना है। बहुत ही झटपट कम समय में बन जाती है, और जलाने ज्यादा जलाना भी नहीं है इसे, इस तरह से। तो देख सकते हैं ना ही जला है ना ही कुछ हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गया है। जिस तरह पैनकेक बनाते हैं ना, उसी तरह इसे भी बनाना है। बाकी बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है ये, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, तो जरूर ट्राई करिए। तो हमारा रेडी हो गया, हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और हम डाल देंगे जो बटर बचा हुआ है। इसे भी पलटी मार देंगे। इसे अभी हमने डाला था और अभी इतना जल्दी हो गया है। इसे 2 मिनट अगर रखेंगे ना तो बहुत ही फूली और अच्छी बनेगी, तो 2 मिनट जरूर रखें बटर बनाकर। देख सकते हैं फूल रहा है अच्छे से। ये भी निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। देख सकते हैं हमारा कम तेल, कितना हमने डाला था फिर भी इतना तेल बच गया है, तेल थोड़ा भी नहीं लगा है। ये कितना व्हाइट और कितना अच्छा बन के रेडी है, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, देख सकते हैं। आप ही जरूर बना के ट्राई करिए और बच्चे को खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा ये रेसिपी। मैं हमेशा बनाती हूँ इसे। और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दे फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ।